माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जनपद को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नाव जनपद के लिए केंद्रीय धन का आवंटन भी होकर दिया गया है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कार्य करवाए जाने के लिए जिला स्तर से ये रिपोर्ट भेजी गई थी कि लोक निर्माण विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्य को संपन्न कराया जाएगा, लेकिन जिला स्तर पर सम विकास योजना के अंतर्गत कार्य करवाए जाने के लिए 5 एनजीओज का चयन किया गया है। यदि उक्त एनजीओज के माध्यम से काम कार्य करवाया जाता है तो फिर उसका समुचित लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल सकेगा। मेरा सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि यदि राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद के लिए आवंटित केंद्रीय धनराशि को जिला स्तर पर उपरोक्त 5 एनजीओज को आवंटित कर दिया गया तो तत्काल प्रभाव से इस केंद्रीय धनराशि के आवंटन को निरस्त किए जाने हेतु निर्देश दिए जाएं और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस कार्य को संपन्न करवाया जाए। जय हिंद। ब्रिजेश। माननीय सभापति महोदय, महंगाई पर आपने बोलने का मौका दिया, हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान के पैमाने पर महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी का जीवन जीना दुभर हो गया है। पेट्रोलियम कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खाद, पानी, बिजली, जरूरी दवाएं, सभी वस्तुएं जो दैनिक जीवन में उपयोग आती हैं, सभी कीमतों में भयंकर वृद्धि हो रही है। जहां राष्ट्रीय आमदनी में 8% की कमी हुई है, वही मुद्रा स्फीति में भी 8% की बढ़ोतरी हुई है। महंगाई के सामने आम आदमी का जीवन दुभर हो गया है। इस सदन में आज हमको दिल खोलकर सोचना होगा, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे हम लोग हों जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग, सबको दिल की आत्मा की आवाज पर आज विचार करना होगा। अपनी आत्मा और मस्तिष्क को एक मिलाना होगा कि उस आम आदमी के बारे में सोचना होगा जो हिंदुस्तान में 75% गाँव में किसान रहता है, जिनके पास झोपड़ी नहीं है। हम लोग तो ऊंची अट्टालिकाओं के नीचे बैठकर भाषण देने का काम करते हैं। आंकड़े बाजी होती है हिंदुस्तान की राजनीति में। सभी पार्टियां अपनी आंकड़े रखती हैं कि हिंदुस्तान में इस ढंग से आबादी बढ़ी है, इस ढंग से महंगाई बढ़ी है, इस ढंग से पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि हुई। लेकिन मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, अपनी आत्मा की आवाज पर आज हिंदुस्तान के दलितों के बारे में, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोगों के समाज के बारे में सोचना होगा। हमारे आदर्श पुरुष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि जब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देंगे, सत्ता की चाबी नहीं सौंपेंगे, तब तक हिंदुस्तान के आम आदमी को सुख चैन नहीं मिलेगा। हमारी नेता बहन मायावती जी ने भी दलितों के लिए संघर्ष करने का काम किया है। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी चाहती है, आंकड़े प्रस्तुत करने में विश्वास मैं नहीं रखता, आंकड़े तो यहाँ के अधिकारी प्रस्तुत करेंगे, बेहतर ढंग से प्रस्तुत करेंगे, पढ़ाई लिखाई का काम करेंगे, लेकिन हमको आत्मा की बात पर, अपने दिल की बात पर उस आम आदमी के बारे में सोचना होगा जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बगैर पानी, बगैर बिजली, झोपड़ी में बगैर पंखे के सोता है, मरता है और रोटी नहीं मिलती, भूखों मरने का काम करता है। आज आपको विश्वास नहीं होगा सरकार कि आप चले जाएंगे सुदूर गांव में, एक रोटी जो हम लोग यहाँ की कैंटीन में जूठे चावल आधा खाकर फेंक देते हैं, उस चावल को छीनने के लिए लड़ाई होती है। बारात होती है बड़े आदमी के घर में, लेकिन बारात जब निपट जाती है रात के 2 बजने के बाद, भोर के 3 बजे, गरीब आदमी के लोग, दलितों के लोग, दबाए गए, कुचले गए, पछाड़े गए लोग उस चावल और जूठी सब्जी के लिए लाठियां चलती हैं। मान्यवर, हमें सोचना होगा, ये विचार करना होगा इसके पीछे कौन है। हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब जब जो जो सरकारें आईं, उन्होंने किसी ने भी अपने बारे, आम आदमी के बारे में विचार करने का मन नहीं बनाया। मन बनाया तो सत्ता के लिए। हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के हरिन पाठक जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे उनके भाषण से लगा कि उनकी आत्मा में हूक है कि हम 33% नंबर क्यों नहीं पा सके अपने इस चुनावी इम्तिहान में। मुझे दर्द है इस बात का। हमें सोचना होगा आम आदमी के बारे में, सत्ता की ओर देखने के बजाय हमको आम आदमी की आवाज सुननी होगी। वो सुदूर गांव में बैठे, दिल्ली में आप सोचिए, मैंने अखबार में पढ़ा सेशन के दौरान कि पानी के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, ये कहां तक सही है सरकार। जिस हिंदुस्तान में दूध की नदियां बहती थी, कहा जाता था अंग्रेज जब आए थे तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, लेकिन आज सोने की चिड़िया में कोई सोचता नहीं था कि दूध 10 रुपए लीटर, 12 रुपए लीटर बिकेगा। दूध की नदियां बहती थी, लेकिन मान्यवर बड़े दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है, आज हिंदुस्तान में दूध तो छोड़ दीजिए,
पानी 12 रुपए लीटर हम लोग बखूसी खरीद कर पीते हैं कि पानी शुद्ध मिलेगा। ये कैसी भाग्य की विडंबना है, हमारे संविधान निर्माताओं ने, हिंदुस्तान के आजादी के लड़ाकों ने, जिन्होंने आजादी के नाम पर अपने अपने परिवार को अपने को आहुति दे दी, उनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने सत्ता की ओर नहीं देखा था, ना ही चंद्रशेखर आजाद जी ने सत्ता की तरफ देखा था, ना ही भगत सिंह ने, ना ही हमारे आदर्श पुरुष जिन लोगों ने हिंदुस्तान के नाम पर अपने आप को शहीद कर दिया। जब तक हिंदुस्तान के आम आदमी की बात को हम मजबूती के साथ इस सदन से पारित नहीं कराएंगे, पेट्रोलियम कीमतों में चाहे वृद्धि का सवाल हो, हम माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय आमदनी में जो महंगाई बढ़ी है उसमें पेट्रोलियम कीमतों में वृद्धि का कितना प्रतिशत है, और धान तथा दालों की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई है तो उनके पास आंकड़े आपके पास क्या, उन्हें बढ़ोतरी हुई है दामों में या कमी हुई है? हमारे पास चीनी और शक्कर के जो उत्पाद हैं उनमें हमारे बढ़ोतरी हुई है कमी हुई है? गन्ने के दाम के बढ़ाने के बारे में कोई बात नहीं करता, वो किसान जो उधार गन्ना शक्कर मिल मालिक के दरवाजे फेंक आता है उसको पेमेंट 6 महीने बाद होगा, साल बर्बाद होगा, किसान गोली खाता, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई सूबा हो, किसान हमेशा पीटा जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन उसके दाम बढ़ाने के लिए कोई सोचने वाला नहीं। बैंकों का ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है, इससे भी महंगाई बढ़ी है। अंत में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन सदन से गुजारिश करता हूं, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि उस आम आदमी के बारे में विचार बनाना पड़ेगा, सरकारी तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, उसको भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी कि महसूस हो कि आम आदमी की सरकार है, तभी हमारा हिंदुस्तान प्रगति के पद पर अग्रसर हो सकता है। महंगाई को रोकने के लिए हिंदुस्तान में जो चरम सीमा पर महंगाई है रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना होगा। जब तक हम महत्वपूर्ण कदम नहीं बढ़ाएंगे आम आदमी को हम सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे सकते, जिसके लिए हम यहां बैठे हैं। दो लाइनें कहकर बात अपनी समाप्त करना चाहता हूं। महंगाई के नाम पर हो चुकी पीर पर्वत सी, हो चुकी पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से एक नई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद जय भीम। थैंक यू।